इधर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं को मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा। राज्य सचिवालय में इसे लेकर मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के साथ विभागीय सचिव भी मौजूद रहे। तय हुआ कि वैसे कार्य जिनमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है उन्हें मनरेगा से जोड़ा जाए। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ये बैठक मनरेगा मजदूरों की तकदीर और तस्वीर बदलने की कवायद है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे विभाग अपने अपने स्तर से संचालित करते हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के 260 से ज्यादा योजनाओं का नरेगा से टैग करने पर सहमति बनी। मंथन और चिंतन हुआ कि निर्माण सामग्री संबंधित विभाग उपलब्ध कराएगा जबकि मजदूरों की उपलब्धता नरेगा के तहत सुनिश्चित किया जाए। पे चर्चा किया गया कि अन्य विभागों के जो योजनाएं हैं उसको हम लोग नरेगा में कैसे शामिल कराया जा सकते हैं और लेबर बजट जो नरेगा में हमको मिल रहा है इस साल भी हम लोग करीब 9 करोड़ मानव दिवस सृजन किए हैं उसको हम लोग हमारे राज्य स्तर पर जो भी योजनाएं चल रहे राज्य सरकार के जो योजनाएं चल रही उसमें शामिल करते हुए योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं उस पर चर्चा। बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बगैर ब्रेक लिए लगातार 6 घंटे तक बैठक की। इसके तहत सतत निगरानी के साथ ही नरेगा में शामिल मजदूरों को पूरे वर्ष काम मिलता रहे ये बात सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। जो योजनाएं हैं जिसमें मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60-40 होना है तो इस क्रम में विभिन्न विभाग जो योजनाएं कार्यान्वित करते हैं जिसमें मजदूरी का अनुपात होता है तो उस योजना में कैसे नरेगा के माध्यम से हम मजदूरी की सुविधा देते हुए और उस विभाग के द्वारा मात्र सामग्री के लिए यदि व्यवस्था की जाए तो मजदूरी सामग्री का अनुपात भी रहेगा और उस विभाग को जो मजदूरी में खर्चा करता था वो नहीं खर्चा करना पड़ेगा। नेपाल हाउस में आयोजित इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि आगे आने वाली बैठक में इसकी समीक्षा होगी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा राशि खर्च करने पर भी अधिकारियों को टास्क दिया गया। राज्य के कई विभागों के काम अब नरेगा के तहत होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के मजदूरों को मिलेगा। राज्य सचिवालय नेपाल हाउस में 6 घंटे से ज्यादा चली लंबी बैठक के बाद कई विभागों के सचिव ने इस पर अपनी सहमति दे दी। विकास आयुक्त ने जल्द ही रिपोर्ट भी मांगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे ही प्रयासों से राज्य के मजदूरों की तकदीर बदलेगी। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।